हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। तो आज है 21 अगस्त। आज सीजीएल 2021 का टीयर थी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, तो मैं अभी वो दे के आया हूँ। तो कुछ दिन पहले, दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था 19 अगस्त को, मेरा सीजीएल 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कोलकाता में। तो 21 अगस्त आज कोलकाता में ही मेरा सीजीएल टीयर थी था, तो मैं रह गया। मैं एक दोस्त के मेस्ट से वीडियो बना रहा हूँ, वहीं पे ठहरा हूँ। तो मैंने अभी एग्जाम खत्म करके आया हूँ। तो सब बहुत प्रिपरेशन करके गए होंगे। और ओके, पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है? सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, आप लोग देख के चले जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरे यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि जानते हैं, इस बार बहुत सारा टॉपिक था, बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, सबने किए होंगे। जैसे इंडिया एट 75, मतलब 75 ईयर्स जर्नी, क्या क्या बदलाव हुआ 1947 से अभी तक, ये एक अच्छा टॉपिक था, आने का चांस बहुत ज्यादा था। उसके बाद आप लोग जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक था जो अब चल रहा है, वो भी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक में था। और क्या था, यूक्रेन रशिया वॉर, ये सब भी किए होंगे, प्लास्टिक के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, और क्या क्या था, जो भी हो, बहुत सारे टॉपिक्स थे इस बार, ठीक है, जो सबने किए होंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत एंड सोशल इश्यूज पे बहुत सारे टॉपिक्स करके गए होंगे सभी, मैं भी किया था। लेकिन टॉपिक आया एकदम थोड़ा सा डिफरेंट, बोला गया कि चैरिटी डज नॉट बेनिफिट ओनली द रिसीवर बट ऑल्सो द गिवर, ऐसा कुछ टॉपिक था। मतलब जो चैरिटी वर्क होता है वो सिर्फ रिसीवर, जो जिसको मिलता है बेनिफिट, उसको हेल्प नहीं करता, जो देता है, जो करता है वो चैरिटी वर्क, उसको भी बहुत बेनिफिट मिलता है। ये था टॉपिक, मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, मतलब ये थोड़ा सोचने वाला टॉपिक था, पर मैं खुश हूं क्योंकि अगर आजादी का अमृत महोत्सव आ जाता तो आप भी जो चैनल फॉलो करते हैं, मैं भी वो चैनल फॉलो करता हूँ, बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स हैं इंटरनेट में, सेम क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, सेम कंटेंट आप पढ़ के आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, तो डिफरेंस क्या रहेगा, राइट? मतलब सबका एक जैसा ऐसे होगा, सबका एक ही वर्ड होगा, मतलब जो फर्स्ट लाइन आपने दिए होंगे मैं भी वही लिखा होगा, तो ऐसे करके ना सबका कॉपी सेम हो जा रहा था, सेम हो जाएगा। तो उसके बाद एग्जामिनर जब एग्जामिन करेगा, सबका एक ही दिखेगा उसको, तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा टॉपिक अच्छा हुआ कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आया, थोड़ा ऑफ टॉपिक आया, तो इसमें सबका अलग अलग व्यूज होगा, सबका अलग अलग राइटिंग होगा, यही होना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक आएगा तो सब एक ही टाइप का वर्ड लिखेंगे, एक ही कंटेंट को कॉपी करके लिखेंगे। तो मैं तो खुश हूं इससे। तो था चैरिटी डज नॉट ओनली हेल्प द रिसीवर बट ऑल्सो द गिवर, ऐसा टॉपिक था, मतलब गिवर जो चैरिटी कर रहा है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, ये थोड़ा सोचने वाला टॉपिक था। अगर मुझे नहीं लगता कि चैरिटी वर्क्स का बेनिफिट सोसाइटी में क्या होगा, ये सब लिखने का कोई फायदा है, मतलब ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक था जो कर रहा है उसको क्या फायदा होगा, आपको 200 to 250 वर्ड्स उसके ऊपर लिखना था कि आप चैरिटी वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये था टॉपिक, समझे? मतलब जो कर रहा है उसी को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको बताना था। जैसे मैंने लिखा कुछ इंटरनल पीस मिलेगा, दूसरों को एनकरेज करेगा और बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ऐसे कुछ बहुत सारे लिखे, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, पर मैंने जितने कोशिश किया कि एकदम टॉपिक के ऊपर लिखने का, मतलब कौन जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको ऊपर टॉपिक नहीं था। तो मैंने वही लिखा जो गिवर को, जो चैरिटी वर्क करता है उसको क्या मिलता है, उसके ऊपर मैंने लिखने की कोशिश किया। और प्रेसी आया था सोसाइटी के ऊपर, मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ, डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ सब ग्रुप बनाते हैं, वही एक सोसाइटी फॉर्म करता है, ऐसा कुछ टॉपिक था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी होता है, उन लोगों के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं, फिर भी वो लोग पीस के लिए और हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ प्रेसिस का टॉपिक था। तो प्रेसी ठीक ठाक, मुझे ठीक ठाक लगा, मैंने थोड़ा ऐसे में ज्यादा टाइम दे दिया, तो प्रेसी थोड़ा 78 वर्ड्स के अराउंड मैंने लिखा था, तो देखते हैं क्या होता है, पर मुझे ठीक ठाक ही लगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग आया, तो सबका नजरिया अलग होगा, सबका राइटिंग अलग होगा, सबका ओन व्यू आपको कॉपी में लिखने को मिलेगा, तो इससे बेटर इवेल्युएशन होगा। उसके बाद आप तो जानते हैं ये टीयर थ्री मैक्सिमम लक बेस्ड है, अगर एग्जामिनर वो पढ़ के देखे, चेक करके देखे, तब आपको अपने हिसाब से मार्क्स मिलेगा, जैसा आपने लिखा है वैसा आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर हर पेज में 3-4 टिक मार के चला गया,
और देखा ही नहीं, तो एक एवरेज मार्क्स लास्ट में 22 25 30 बैठा दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं हो। तो ये एक अल्टीमेटली लक बेस्ड ही है, बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं और मैंने भी देखा है, तो पता नहीं इवेल्यूएट होगा कि नहीं और या एवरेज मार्क्स बैठा पुट कर देंगे वहां पे, वो तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि सबका इसे पढ़ के देखा जाए और उसके ऊपर इवेल्यूएट किया जाए, क्योंकि ये टीयर 3 100 नंबर का बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप टीयर 2 तक मेरिट पे आते हैं, उसके बाद टीयर 3 अगर लक बेस्ड हो गया तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 65, और हिंदी में अलग मार्क्स मिल रहा है, इंग्लिश में अलग मार्क्स मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश में अगर थोड़ा डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो वो भी ठीक नहीं है। सब लैंग्वेज को, दोनों लैंग्वेज को ही सिमिलर वेटेज या सिमिलर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट जरूरत है, तो मैं और भी कंटेंट्स लाऊंगा। ठीक है, तो मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर सीजीएल टीयर 2 का आंसर की आएगा, शायद कल परसों तक आ जाएगा क्योंकि लिंक जनरेट हो गया है, तो उसका उसके मुझे कितने मार्क्स मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है। एओ का डबल एओ का पेपर भी मैंने दिया था, तो उसका स्कोर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंग्लिश में कितने बने, मैथ्स में कितने बने। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।